हेलो गाइस, सो हम आ चुके हैं वुल्वरिन के फोर्थ पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वुल्वरिन काउंसिल में पहुँचता है और वो मैग्नेटो का हेलमेट फेंकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें शराब पिलाकर तुम्हारा हेलमेट ले लिया था, और वो कहता है कि तुमने भी एक बार मेरे पंजे तोड़ दिए थे तो हमारा हिसाब बराबर हो गया। अभी प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया, हम तुम्हें बस ये बताना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। तो वुल्वरिन कहता है कि मैंने पोलन लैब का केस सॉल्व कर दिया और तुम्हें क्या चाहिए। प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। अभी मैग्नेटो कहता है प्रोफेसर एक्स इसको जाने दो, पर प्रोफेसर एक्स फिर भी कहते हैं कि वुल्वरिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को अच्छे से चलाएं, ना कि हम इसका मजाक उड़ाएं और ना ही तुम मैग्नेटो का ज़्यादा मजाक उड़ाओ, क्योंकि ऐसे तुम सबको खतरे में डाल दोगे यहाँ पे जो भी हमने बनाया है। तो वुल्वरिन कहता है फिर तो आपको ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने ये हेलमेट पेशाब करने के लिए यूज़ किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुल्वरिन एक सुनसान से जगह में पहुँच जाता है जहाँ पे वो हमेशा शराब पीने के लिए जाता है। ये जगह बहुत ही दूर है एक सुनसान इलाके में, और ये काफ़ी गंदी जगह है जहाँ पे कुछ लोग एक चीप शराब और बियर पीने के लिए आते हैं। वुल्वरिन अंदर चला जाता है और वो शराब मांगता है, और साथ में वो एक गाना चला देता है, पर वहाँ पे एक आदमी को उसका गाना पसंद नहीं आता और वो कहता है कि ये तुमने क्या चला दिया है। तो वुल्वरिन कहता है मैंने इसमें पैसे डाले हैं, ये ही गाना चलेगा, और वो आदमी उस वुल्वरिन पे हमला कर देता है स्टिक को पकड़े हुए। वुल्वरिन कहता है अच्छा हुआ मेरी शराब नहीं गिरी, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाता, और वो अपना सर दे मारता है उस बंदे की नाक पे और उसकी नाक टूट जाती है। वुल्वरिन बारटेंडर से पूछता है कि तुम उस आदमी के बारे में क्या जानते हो, तो वो कहता है मैं उसको नहीं जानता, पर वुल्वरिन कहता है मुझे लग रहा है जैसे मैं इसको पहले भी कहीं देख चुका हूँ। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर घबराया हुआ अंदर आता है और वो कहता है कि तुम लोग मानोगे नहीं मैंने आज क्या देखा। वो बताता है कि वो वापस आ रहा था तभी उसने देखा कि सड़क पे एक बारा सिंघा मरा हुआ पड़ा हुआ है, किसी ने उसको उसके पेट के अंदर से निचोड़ के सारा खून उसका चूस लिया और उसको खा लिया। और वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसने भी ये किया है वो मुझे भी फॉलो कर रहा है। तो वहाँ का बारटेंडर कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ तुम्हारे घर अगर तुम्हें डर लग रहा है। तो वो कहता है नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सभी यही रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो बाहर क्या घूम रहा है, इसीलिए हम जितने ज़्यादा नंबर्स में होंगे हमारे लिए सेफ रहेगा। और वो कहता है पर तुम मुझे एक कोल्ड बियर दे सकते हो। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें अभी देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि वहाँ की बूढ़ी औरत भी वुल्वरिन से बातें करने लग जाती है, और वो बातों ही बातों में कुछ उसको ऐसा कहती है कि वुल्वरिन को लगता है कि मैंने शायद इसे देखा हुआ है पर ये अभी काफ़ी ओल्ड हो गई है। और तभी हम देखते हैं कि लॉगिन का सिर चकराने लगता है और उसकी आँखें भी थोड़ी सी लाल होनी शुरू हो गई हैं, उसे कुछ हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि लोगन वहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है और वो कहता है कि हम लोग यही रहेंगे, यही रहने में भलाई है। पर तभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ होती है और वो सब कहते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो बारटेंडर उस पुलिस वाले को कहता है कि शायद तुम्हें वापस पेट्रोल पे जाना चाहिए क्योंकि आज काफ़ी लोगों पर भारी हो सकती है ये रात। और यहाँ पे वुल्वरिन बाथरूम में पहुँच जाता है क्योंकि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, और वो वहाँ देखता है कि हर जगह खून ही खून लगा होता है, और वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी मरा पड़ा है। तो वो कहता है ये किसने किया, क्या ये मैंने किया, मैं ये नहीं कर सकता। वो कहता है मुझे याद नहीं कि मैंने इसको कब मारा, पर मुझे कुछ याद आ रहा है इसका टैटू देख के। और वो जैसे ही अंदर को निकलता है पीछे से वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। तो उसको लॉगिन कहता है कि मेरी बात सुनो ये मैंने नहीं किया, पर हम देखते हैं कि तभी कोई उसको बेहोश करने के लिए उस पर कुछ मार देता है। और जब वुल्वरिन जागता है तो उसे पता चलता है कि उसको वो लोग बांध चुके हैं, और उनमें से एक कहता है कि तुम म्यूटेंट हो और तुम कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पर उन लोगों को पता है कि वुल्वरिन एक म्यूटेंट है। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है क्या ये क्या है। तो बारटेंडर कहता है कि ये एक म्यूटेंट है, ये है वुल्वरिन। तो वुल्वरिन कहता है अच्छा तो तुम लोग मुझे जानते हो। और बारटेंडर कहता है कि आज इसने जो किया है ये तो इसके लिए कुछ नहीं है, इसने बहुत बुरे काम किए हुए हैं। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर ये म्यूटेंट है तो ये हमारे लॉ के अंदर नहीं आता, हमें इसे छोड़ देना चाहिए।
तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें नहीं लगता अगर तुम ऐसे करोगे ये तुम्हारे लिए बेइज्जती होगी। तभी वुल्वरीन पूछता है, तुम लोगों को कैसे पता कि मैं कौन हूँ? तो बारटेंडर कहता है, हमें पता है तुम अपने पैराडाइज से यहाँ आते हो शराब पीने के लिए, हमने तुम्हें काफ़ी बार ट्रैक किया। वो बारटेंडर कहता है कि तुम चाहे इसे मार दो या इसको जहर दे दो या इसको कहीं डुबा दो, इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसको आइस के साथ जमा देंगे और ये वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वुल्वरीन कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम तो उन्हीं में से एक हो जो वो पेशेंट्स थे डनविच सेंटेरियम में, मैंने तुम्हें देखा है। तो वो पुलिस वाला कहता है, तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम इसको मार नहीं सकते। तो वो कहता है, हाँ हम इसको मारेंगे नहीं, हम इसको जमा देंगे और यही इसकी लाइफ के लिए, इसके साथ ही यहाँ पे ये जमा रह जाएगा और इसकी सज़ा यही होगी। तो वो पुलिस वाला कहता है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो वो बारटेंडर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसने कितने बुरे काम करे हैं? तभी हम देखते हैं कि पीछे से ओमेगा रेड भी आ जाता है और वो देख रहा होता है ये सब छुपकर। तभी वुल्वरीन कहता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, पर तुम मुझे ये बताओगे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे वो बारटेंडर कहता है कि कहीं पे कुछ फाइट चल रही थी, वहाँ पे तुम्हारी वजह से मेरी फियांसे मारी गई। और वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया, तो इस वजह से ये लोग इसको मारना चाहते थे और काफ़ी टाइम से इसको ट्रैक कर रहे थे। और वो कहता है कि तुम्हारे म्यूटेंट्स की वजह से ये ग्रुप बनने हैं, क्योंकि तुम लोग हमारे लोगों को मार देते हो या तुम्हारी वजह से हमारे लोग मर जाते हैं। और वो कहता है कि जब तुम्हारी हॉबी हो गई यहाँ पे आकर शराब पीना, तो मैंने ऑनलाइन लोगों से चैट की और उनसे कंफर्म किया कि कोई तुमसे बदला लेना चाहता है तो हम ले सकते हैं, तभी हमने ये प्लान बनाया। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग उसकी कुर्सी को एक जगह पे रोक देते हैं और उसके आसपास को काट देते हैं ताकि वो पानी के अंदर डूब जाए और वहाँ पे हमेशा के लिए जम जाए। तो बारटेंडर कहता है, तुमने फ्रेड को भी मार दिया। वुल्वरीन कहता है, कौन फ्रेड? वो कहते हैं, वही जो बाथरूम में मरा पड़ा था। तो वुल्वरीन कहता है, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मैंने उसको नहीं मारा। तो वो आगे से कहता है, अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा उसको? और तभी वो देखते हैं कि कोई पीछे से किसी का सिर फेंक देता है उनके पास। तो वुल्वरीन कहता है, तुम्हें मुझे यहाँ से छोड़ना होगा वरना तुम लोग मारे जाओगे, क्योंकि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे तुम लोगों की परवाह है। हम देखते हैं कि वुल्वरीन नीचे डूबता हुआ जा रहा है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। पर तभी उन लोगों को पीछे से कोई हमला कर देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये है ओमेगा रेड, जिसने ये सब किया है, उसने सब लोगों को मार दिया है। ओमेगा रेड कहता है कि वुल्वरीन, मुझे पता था तुम यहाँ आओगे, मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि तुम्हें भी मेरी तरह डार्कनेस ही पसंद है। और इसी के साथ वो उसको और ज़्यादा नीचे धकेल देता है पानी में। और हम देखते हैं कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ वैम्पायर की पूरी फौज है जो वो साथ लेके आया है। और यहाँ पे वुल्वरीन ज़मीन के नीचे बर्फ़ के नीचे दब चुका है और उसको कोई निकालने वाला नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।